इमाम जादगान सैयद अब्दुल्ला और बीबी सकीना खातून और नवाजगान इमाम हसन मुश्तबा, ये दोनों जो हैं वो सैयद अब्दुल्ला इमामजादा अब्दुल्ला और बीबी सकीना जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोतों में से हैं, और नीचे जो बीबी हबीबा हैं ये इमाम सज्जाद के पोतों में से हैं। इस वक्त हम इमामजादा बीबी सईदा हबीबा खातून के दर पर आए, और कहा जाता है कि ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पोती हैं, और इनकी मुख्तसर सी ज़ियारत लिखी हुई है, इसे पढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं इनकी ज़ियारत की तरफ। रखा है फिलहाल तो यहाँ ताला है, और आगे से देखते हैं कि ये क्या है। खूबसूरत सी इमारत है, और इमामजादा अबू नासिर यानी कि अब्दुल्ला का तुर्बत है, और बंद है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं इमामजादा बीबी सकीना खातून की तरफ, और उनकी ज़ियारत को आगे बढ़ते हैं। इमामजादा सैयदा सकीना खातून जो कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की पोती हैं, और इनकी ज़ियारत जो है इस वक्त बंद है, कोशिश कर रहे हैं। हम एक नई ज़ियारत पर पहुँचे हैं, यहाँ पे भी हमें तीन इमामजादे मिले हैं, जिनमें से दो इमामजादे का ताल्लुक इमाम हसन मुश्तबा से है यानी कि उनकी आल में से पोते हैं, और एक इमाम सज्जाद के हैं। आएँ इस ज़ियारत की तरफ बढ़े। जैसा कि हमने अभी देखा है कि ज़ियारत जो है वो बंद है, और यहाँ जो लोकल कम्युनिटी इसको चलाती है, इसको हैंडल करती है, वो उनके नुमाइंदे जो है यहाँ मौजूद नहीं हैं, आपको बाहर से ज़ियारत करवाते हैं। ये वो इमामजादे हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ ईरान मौजूदा ईरान की तरफ बढ़े, और जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियो में आपको बताया कि जब भी अहले बैत के लिए वो इलाका या वो लोग तंग हो जाते थे जिनकी बेस पर वो आगे सर्वाइवल मुश्किल होता था, तो वो कुछ यानी कि हिजर की तरफ तवज्जो देते थे, और जो हुक्म होता था उसी तरफ जो है वो चल पड़ते थे। ये भी किसी काफले में पहुँचे और बिछड़ गए, ज़ाहिर है वहाँ अटैक हुआ होगा या हमला हुआ होगा, और वहीं पर ही इनके साथ साथ और भी लोग जो इनके साथ होंगे वो अलग हो गए होंगे काफले से, और ये भी इस जगह पे पहुँचे और अपनी आप को इस पहाड़ी इलाके में मुकीम किया, और यहाँ पर इनके हुजरे भी देखने में मिल रहे हैं जो कि पुराने स्टाइल में अभी भी मौजूद हैं कुछ, जैसा कि ये सामने मेरे है, और इसी तरह एक इसके साथ भी है एरिया। ये वो इलाके हैं या वो चीज़ें हैं जो अभी भी मौजूद हैं, और अहले बैत की गवाही देते हैं कि उन्होंने जो काम किया टंके की चोट पे किया, और आज ये अपने यहाँ मौजूद हैं, और इनके ही दुश्मन और जो इनको नापसंद करते थे वो मौजूद नहीं हैं, और उनका नामो निशान भी नहीं है। इमामजादा अब्दुल्ला की ये ज़ियारत है, और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, और पता लगा है कि ये मगरिब के बाद खुलेगी, देखते हैं, इंतज़ार करता है हमारा ड्राइवर। इमामजादा या इमामजादा अबू नासिर
सरहंग अब्दुल्ला। आए इमामजादा बीबी सकीना हतून के ज़ियारत को चले। हमने थोड़ा इंतज़ार किया और इंतज़ार के बाद जो है बीबी ने हमारे लिए ज़ियारत खुलवाई उन लोगों के लिए। अल्लाह शजरा है इमामजादा सकीना का जो मोहियाबाद में है और हसन मुश्तबा उनसे जो है वो जैद और फिर जैद से जो है वो अबू मोहम्मद अल हसन और उनसे जो है अबू मोहम्मद कासिम और फिर मोहम्मद अल बताहिनी और फिर ईसा और उनके बाद अबू अब्दुल्ला अल हुसैन और फिर मोहम्मद अल कलारी और उसके बाद जो है इमाम ज़्यादा सकीना खातून हैं। ये इनका शजरा पूरा आपको दिया हुआ है और इनके बहन भाई और इनके मुख्तलिफ जो रहे ख़ानदान में वो शामिल हाल हैं। ये मुख्तर सी इनकी तारीख दी हुई है और बताया गया है कि ये अपने भाई के साथ जो है वो काफ़िले में थी और वहाँ से आई और ये ज़माना जो उन्होंने दिया हुआ है दो सौ चवालीस हिजरी दी हुई है और उसमें जो है वो यहाँ पर ये मुकीम हुए। अल्लाह उनको और हिदायत दे जिन्होंने हमारी सुनी और हमें यहाँ ज़ियारत खोल के दी। ज़ियारत है बीबी सकीना। बीबी सकीना अपनी मदद आप यहाँ पर रही और ये जिन्होंने बनाई उनका लिखा हुआ है ज़ियारत है बीबी सकीना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पोती अपने भाई के साथ काफ़िले में थी और काफ़िले पे जब हमला हुआ और काफ़िले को लूटना चाहा और अहले बैत को नुकसान पहुंचाना चाहा तो ये उस काफ़िले से जुदा हो गए अपनी जाने बचाई क्योंकि उस मिशन में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाना था और अपने आप को वफ करना था इसलिए ये वहाँ से निकले और अपनी जान बचाते हुए इस गांव में मुकाम पजीर हुए और यहाँ पर सुकून अख्तियार की। इमामजादा सकीना अपने भाई के साथ और अपने जानने वालों के साथ इस काफ़िले से आई और काफ़िले पर जब हमला हुआ तो अलग हुए ये तीनों अलग हुए और इनके साथ साथ जो है ये आगे बढ़े और अपने आप को जो है वो रूपोश करते हुए इस इलाके तक पहुँचे क्योंकि ये इलाका पहाड़ी भी है और थोड़ा बहुत ज़मीनी भी है और इस इलाके से पूरी ऐसे ढलान सी जो है वो चल रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ गार भी हैं और मुख्तलिफ चश्मे भी बहते हैं। सकीना खातून अपने भाई के साथ यहाँ मुकीम हुई और अपने और इमामजादा हबीबा के साथ और यहाँ पर उन्होंने वही सेवा अख्तियार किया औरतों में जो है वो तबलीग दीन की उसने अखलाक डाला और बताया और उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत और कुरान और उसके साथ साथ बहुत से अलूम उन लोगों को सिखाए जिसकी वजह से लोग इनके गर्विदा हुए। इंसानियत सिखाई कि क्या इंसानियत होती है कैसे बर्ताव होता है और कैसे अपनी रूह को पाक किया जाता है और कैसे जो है वो अपने आप को लोगों के लिए हर वक्त मैसर किया जाता है क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने आप में अच्छे और अच्छे रहे और इन्होंने वक्त के साथ साथ साबित किया कि ये बेदाग हैं और इनने जो भी इनका दुश्मन बना या जो भी जिसने इनको नुकसान पहुंचाना चाहा वो दरबदर हुआ या वो मौत के घाट खुद चला गया या कुदरत ने उसके अंदर बीमारियां डाल दी या कुदरत ने उसको जो है वो ऐसी बीमारी लाहक कर दी जो इनसे दूर चला गया और ये अपनी जगह पे कायम दायम रहे। आए मैं अभी आपको इमामजादी की ज़ियारत करवाते हैं।
हबीबा, इमामजादी हबीबा की, और बहुत सादा सी तुर्बत और सादा सी इनकी ज़्यारत है। और इमामजादी हबीबा अपने दौर में बहुत बहादुर, नडर और बहुत से इल्म और हुनर की मालिक थी, और ये भी जुड़ी हैं अपने कज़न्स के साथ और यहाँ तक आई। ज़्यारत आप देखें कितनी सादा है और पुरसकून ज़्यारत है। इमामज़ादा हबीबा आपके सामने हैं, ये इनकी तुर्बत है, और ये उस ज़माने में उसी काफ़िले में थी जिस काफ़िले में इनके दो और रिश्तेदार यानी कि इमाम हसन मुश्तबा के पोते और पोती इमामज़ादा अब्दुल्ला और इमामज़ादा सकीना खातून के साथ। ये इमामज़ादा बीबी सकी हबीबा थी, और इन्होंने भी अपनी हिम्मत आप बहुत सारे यहाँ पे मुश्किलात झेली और अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने जो है आगे बढ़ाया। अपनी शख्सियत के हिसाब से ये लोगों में जान पहचान इनकी हुई, और इनकी दरिया दिली और इनकी इल्म की वसत की वजह से लोग इनके करीब आए और इनके से वो इल्म और वो अदब सीखना शुरू किया जो इनके जद से इन्होंने सीखा था। ये अपने दौर में बहुत बड़ी आलमा और बहुत अलूम मुख्तलिफ अलूम पे महारत रखने के साथ साथ यहाँ तबलीग दीन भी इन्होंने किया, और अपनी जद की खिदमत का शेवा जो है वो कभी नहीं छोड़ा, और हमेशा अपनी से बढ़कर जो है वो लोगों की खिदमत की, चाहे वो ज़बान से की हो, चाहे हाथों से की हो, चाहे वो खाने से की हो या अपने इल्म के बेस पर की हो। ये वो बीबी हैं जो रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा, और मिटाने वाले कब के मिट गए और जाने वाले इनसे दूर चले गए, और ये अपनी जगह पे मुकीम है। कहा जाता है कि यहाँ पर अहले इल्म को बहुत सारा इल्म मिलता है, और बीबी मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो ज़्यारत भी करवाती हैं, और उसके साथ साथ जो इल्म के तालिब होते हैं वो यहाँ लॉ लगाते हैं तो उनको इल्म भी मिलता है। इमामज़ादा अबू नासिर सरहंग अब्दुल्ला उर्फ अब्दुल्ला की ज़्यारत हमारे लिए खुली है, अंदर चलें और जानें इमामज़ादे के बारे में। ये इनका शजरा मुबारक दिया हुआ है, और इनकी मुख्तसर सी यहाँ पर तारीख दी हुई है जो मदीना से चले और अपने जद के कहने पे आगे चले, और ये तकरीबन साल है 156 साल यानी कि हिजरी थी, 156 हिजरी में ये चले, 52 हिजरी में चले और 152 हिजरी में चले, और एक वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करते करते मक्का मदीना से जब निकले इनके जद तो तराबिस्तान और बाकरमान तक पहुँचे, और वहीं पर इनकी औलादें भी यानी कि ये पैदा हुए, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कारनामे हाय अंजाम दिए। इस पूरी बात में कहने का मकसद है ये है कि इनके जद जब चले किसी काफ़िले में थे, और उस काफ़िले से जो है वो जब जुदा हुए, हमला हुआ और अलग हुए, और अपनी आप को सेफ किया और अपने बच्चों को सेफ करते हुए जब यहाँ पर आए तो अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से इन्होंने शुरू की और एक नए नाम से शुरू की, और जिससे वो आगे बढ़ते बढ़ते पहुँचे अपनी रियाजत और कमालात और अपने अजायबात की तरफ जो अपने जद से उन्हें मिले थे, और उसी को उन्होंने अपनाते हुए यहाँ पर इल्म का सिलसिला शुरू किया, और ये तीनों भी इसी लड़ी का हिस्सा हैं जो अहले बैत से जुड़े हुए हैं। आए ज़्यारत करें।
कहते हैं किसी बुजुर्ग की सोबत अख्तियार करें ताकि वो आपको जो है वो गुर और वो तरीके सिखाए जिससे आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। ये अहले बैत भी वही हब हैं और वही पिलर्स हैं इस्लाम के जो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। और जब से हमें पता लगा कि ईरान में तक कम व बेश 10,000 इमामजादे मौजूद हैं तो हमारी खुशी का लम्हा और हमारे लम्हा फिक्र दोनों ही साथ साथ बढ़ने लगे और इंटरेस्ट बढ़ने लगा और हम इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह हम दोबारा ईरान जाएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमामजादों की ज़्यारत करनी है और जो अहले बैत के फॉलोअर्स हैं, जो अहले बैत को समझते हैं, जो अहले बैत के काम को और उनके तरीके सुन्नत को पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी और आखरत को संवारना चाहते हैं, जर्नी ऑफ फेथ उनके लिए मौजूद है हर वक्त हर खिदमत के लिए। ये वो खिदमत है, शायद हमें भी नहीं पता कि इसका अजर क्या होगा। बस हमारी एक लगन है कि जो हम जान रहे हैं उसको हम एक वीडियो की फॉर्म में लोगों तक पहुंचा दें ताकि जो इल्म का प्यासा है, जो अहले बैत के पीछे चलता है, उन्हें अहले बैत के हालात ज़िंदगी और मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ नस्लों में उनको नज़र आए कि एक सिर्फ 12 इमाम नहीं है, 14 मासूमीन नहीं है, उनके साथ उनके कुंबा भी है, उनके साथ उन्होंने भी कुंबे ने भी सेक्रीफाइस किया, कुर्बानियां दी और अपने आप को पेश किया। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जैसे मौला को स्टडी करें और जो मिशन लेके चले उनकी हर आल वही मिशन लेके चली, इतनी बड़ी आल और इतनी बड़ी नस्ल और इतने बड़ा एक कुंबा और सफ़र और इतने सालों का और इतने सौ सालों का सफ़र लेकर चलना कोई आसान नहीं होता। लोग जो हैं वो एक नस्ल या दूसरी नस्ल के बाद ही जो है वो फिर जाते हैं और वो जिस पॉइंट से चले थे वो पॉइंट भूल जाते हैं। यही हमारे आज का अलमिया भी है, आज के हमारे आबा अजदाद जो करते थे आज हम वो नहीं करते, मगर इन लोगों ने वही किया जो इनके आबा अजदाद ने किया, इल्म फैलाया, अल्लाह से रुजू किया, इन्होंने इबादत जिक्र किया और ख़ास तौर पे ऐसे गारों में और ऐसे घर में हुजरों में किया और जहाँ पर आज हम अपने आप को एक अजीब सा समझते हैं, हम मस्जिद जाते हुए घबराते हैं और बहुत सी चीज़ों से हम परेशान होते हैं। इन्होंने अपने घर में या अपने खानकाहों में यहाँ हुजरे बनाए पहाड़ों में और आम जगहों पर जहाँ पर वो रात को इबादत किया करते थे और दिन में दुनिया की ज़रूरियात के हिसाब से अपना भी रिस्क कमाया करते थे और अपनी ज़िंदगी को पेश किया करते थे लोगों के दरमियान एक आला किरदार से, अपनी खिदमत से, अपने हुस्न सलूक से, अपनी खुदादारी से, अपनी नॉलेज से, अपनी हम्बलनेस से, अपनी कामनेस से, अपनी सॉफ्ट कॉर्नर से, जिससे लोग इनकी तरफ खींचे चले आते थे। और मैंने कई अपनी वीडियो में बताया इनसे एक आला किस्म की खुशबू भी आती थी अहले बैत से और लोग इन्हें पहचान लिया करते थे। इनकी शक्लों पे नूर हुआ करता था, इनकी शक्लों पे सुकून हुआ करता था, इनकी नस्लों में ये सब चीज़ें मौजूद हैं और आज भी जो रियल सादात हैं और जो जिनके मज़ारात और तुर्बतें मौजूद हैं या नहीं भी हैं उनके भी दर से सुकून मिलता है। चाहे वो आप जितने भी नेगेटिव हों, जितने भी आप ऐसे हों, आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी और आपकी रूह भी ये तरोताज़ा करेंगे। इमामज़ादा अब्दुल्ला पे हाज़िरी दी, बहुत सुकून मिला और ऐसे लगा कि जैसे हम से बहुत बिछड़े हुए हैं और लोग जो है इनके पास क्यों नहीं आते। ज़ाहिर है लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, यही नॉलेज देने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे इरादा किया है कि बहुत जो गुमनाम शहजादे हैं, शहजादियाँ हैं, इमामजादे हैं जिन पे लोग कम जाते हैं, जिनके बारे में नहीं पता, जाना चाहते हैं, वो इन दरगाह पर आएँ और इनसे अपनी रगबत महसूस करें और यहाँ वो अपनी फीलिंग रखें जिससे ये अपने आप को अयां करें आपके सामने इल्म के हिसाब से, अकल के हिसाब से और आपकी जुमला हाजात के हिसाब से। तो ये वो इमामजादे हैं अब्दुल्ला जिन्होंने अपने आप को साबित किया यहाँ रहते हुए कि ये अपने जद के नाम को जो है वो फैलाया और इन्होंने और जो शेवा था अहले बैत का उसको सरेआम दंगे की चोट पर यहाँ रखा और जो आज भी इनके दर पर मौजूद है। आपको मैंने ज़्यारत कराई बीबी सकीना और बीबी हबीबा की और अब मैंने ज़्यारत करवाई आपको इमामज़ादा अब्दुल्ला। ये तीनों की स्टोरी जो है वो बहुत से मिलती भी है और अलग अलग इन्होंने
शोबों में या अलग अलग तरीकों से इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी लोगों के दरमियान। कुछ ने तबलीग दीन की, कुछ ने इल्म फैलाया, कुछ ने अपने अमल से हर चीज़ को वाज़े किया और कुछ ने जो है वो अपनी इबादत और रियाजत से किया। लोग इनके दिनों में नहीं घंटों में इनके गर्विदा बने और इनके आगे पीछे होने लगे। ये लोग अक्सर जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रूपोश रखने की कोशिश करते रहे और जब भी इन पे कुछ चीज़ें आया होने लगी या जब भी इनकी इबादत का टाइम होता था ये अलग अलग जो है वो अपने हुजरों में या गारों में चले जाया करते थे और वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद फिर लोगों में आ जाया करते थे। तो ये सिलसिला इनका जारी रहा और ये यहीं अपनी ज़िंदगी इन्होंने जो है वो खिदमत करते हुए तमाम की और इस दुनिया फ़ानी से ज़ाहरी तौर पर गायब हो गए और चले गए, मदफूम हो गए अपनी कब्रों में। और आज भी ये अपनी कब्रों में जुमला हजार लोगों की पूरी कर रहे हैं और लोग दूर दराज से इनकी चाहत में जो आते हैं इन्हें इल्म भी देते हैं, इन्हें सुकून भी देते हैं और जो उनकी हाजत होती है वो भी पूरी करते हैं और साथ साथ अपना दीदार भी करवाते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं जो इस्लाम के बेसिक पिलर में से या बेसिक एटम में से एक हैं और इसी से मिलकर जो है वो अहले बैत स्ट्रांग होते हैं और अहले बैत अपने काम में मगन रहते हैं। इनकी आगे भी नस्लों ने काम निभाया, इन्होंने भी निभाया। यहाँ तक कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इन इमामजादों को ज़रूर आके आप ज़ियारत करिएगा। करमान से आप महान जाते हुए यहाँ पर आएंगे कौसर खेज या महियाबाद। कौसर खेज ये पूरा बहुत बड़ा इलाका है और महियाबाद उसमें छोटा सा इलाका है। ये वहाँ पे मतफम है, खुली सी है, छोटा सा गांव टाइप आप समझ लें या कस्बा टाइप है, यहाँ पर बहुत करीब है। और इसी से आगे निमतुल्ला वली भी मिलेंगे आपको और भी बहुत ज़्यादा इमामजादे और इमामदादगान जो है वो भी आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। तब तक के इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, यारी मदद।